नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शाहू आपके अपने चैनल फिल द फैक्ट में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि इस चैनल पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते ही नहीं बल्कि उसको अपनी डेली लाइफ में फील भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का मुद्दा है डॉग ईयर्स वर्सेस ह्यूमन ईयर्स। हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे डॉग्स की एज क्या होगी। दोस्तों वैसे डॉग सभी पालने का शौक़ रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपके डॉग्स की एज क्या है? आप बोलेंगे एक साल या दो साल। नहीं दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमें जानना है डॉग के हिसाब से उसकी एज क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, डॉग के हिसाब से डॉग की एज। अब आप सोचेंगे कि डॉग की एज भला डॉग कैसे बताए? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है वैसे ही डॉग्स की बॉडी भी ग्रो करती है, लेकिन हमारी ग्रोथ में एक टाइम डिफरेंस ज़्यादा होता है, जबकि डॉग्स की वही ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। इस हिसाब से डॉग हमसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। हो सकते है आपने आज तक सुना हो कि डॉग का एक साल हमारे 7 साल के बराबर होता है। मतलब अगर डॉग 1 साल का है तो हम 7 साल के होंगे, डॉग 2 साल का हो गया तो हम 14 साल के होंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसा सही भी माना जाता था, परंतु अभी हाल के में रिसर्च में सामने आया कि ये थोड़ा गलत भी है। क्योंकि जो डॉग होता है वो शुरू में बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, मतलब डॉग का पपी डॉग के सीनियर से वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। डॉग का पपी 1 साल हमारे 30 साल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 30 साल। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन डाइसो स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्ट डॉग्स की एक पर्टिकुलर ब्रीड जिसका नाम है लैब्राडोर डॉग्स के डीएनए चेंजेस पर रिसर्च किया, जिनमें ये बात सामने आई कि डॉग्स की शुरुआती एज ग्रोथ जो होती है वो ह्यूमन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा तेज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होता है और पूरी ज़िंदगी इंसानों से ज़्यादा तेज ये ग्रोथ रहता है। हालांकि ये कुत्तों का ग्रोथ ये लास्ट में थोड़ा डिक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमन के कंपेयर में ये हमेशा हाई ही रहता है। आइए आप ये सीखते हैं कि हम डॉग्स के ईयर को ह्यूमन ईयर में कैसे बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम डॉग्स की एज को अपने एज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हमें दिया है। ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 16 LN ऑफ डॉग एज प्लस 31। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डॉग एज में 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 31, दैट इज अप्रॉक्स 30। सो अगर उनका 1 साल हमारे लगभग 30 साल के बराबर है, लेकिन जब आप इसमें 4 डॉग ईयर 4 रखेंगे तो ये लगभग 54 के करीब आएगा, जो कि आप इसके ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इनके ग्राफ में देखिए, जो शुरू में जो तेज़ी है लेकिन बाद में ये थोड़ा फ्लैट इन टाइप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शुरू में तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं लेकिन बाद में इनका ग्रोथ का रेट वो थोड़ा कम हो जाता है, हालांकि ह्यूमन के मुकाबले ये हमेशा आगे ही रहते हैं। अब अभी साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि अभी इस पर काफ़ी रिसर्च होने बाकी हैं, क्योंकि अभी ये एक पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग का पे रिसर्च हुआ है, अभी और भी ब्रीड के डॉग्स पे रिसर्च होगा और जैसे ही इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूँगा। सो एट द लास्ट, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो यानी ये बात अच्छे से समझ आई होगी, आपने फील किया होगा। तो जाइए आज ही आप किसी भी डॉग का जो आप पाले हुए हैं या कहीं भी हो उसको अपने हिसाब से एज निकालिए और कमेंट में बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और अगले वीडियो की टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बताइए, ताकि अगले बार हम बाउंस बैक करके आएँ और ऐसा टॉपिक लाएँ जो आपको और अच्छे से फील हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।